म टाउन या आप सोचे मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और उसी शहर में जहाँ पर भी है तो आपको कितनी इनकम की जरूरत होगी वो आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही मैथमेटिकल वे में बताएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आप जिस भी समय ये वीडियो देख रहे हैं अपने आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए मेरा नाम है समर्थ टन एन आई वर्क एट विंटवेल्थ आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ मच मनी यू रियली नीड तो मुद्दे पे आते हैं शुरू करते हैं आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक पे क्लिक करिए जब वो शीट ओपन होगी लेफ्ट साइड फाइल पे क्लिक करिए मेक अ कॉपी, और उसके बाद आप मेरे साथ ही वीडियो देखते देखते एक्सेल को चेंज कर सकते हैं और अपना इनकम का फिगर निकाल सकते हैं तो अगर आप देखें कि रो नंबर फाइव से जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस दिखाए गए हैं जैसे कि अगर आपने कहीं जमीन खरीदी है लैंड खरीदा है फ्लैट खरीदा है कैश आप कितना रखते हैं कैश मतलब घर में कैश रखने की बात नहीं हो रही यहाँ पे दिस एसेंशियली मीन्स आपने बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर्स पे या म्यूचुअल फंड एंड बैंक डिपॉजिट जो कि आपने एफ करके रखे हुए हैं या किसी और स्कीम रेकरिंग डिपॉजिट करके रखा हुआ है एंड लास्ट में एनपीएस मैंने यहाँ एनपीएस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनपीएस पर से बट मैं इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप अपना प्रोविडेंट फंड भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप कोई और गवर्नमेंट की स्कीम भी डाल सकते हैं यू कैन चेंज इट द वे यू वांट ये नाम है इसको आप बदल सकते हैं राइट right साइड में आप देखेंगे कॉलम नंबर सी में कि आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं जो कि लिक्विड और नॉन लिक्विड डला हुआ है लैंड विल एसेंशली फॉल इन नॉन लिक्विड बाकी कैश इक्विटीज शेयर्स और बाकी जितने भी यहाँ पर आप एसेट uh, क्लासेस देख रहे हैं वो आप लिक्विड में डाल सकते हैं एक्सेप्ट उन एसेट जहाँ पे मेजर लॉक इन होता है अब अगर आपने ELSS, जैसे कि फंड है उसमें रिसेंटली पैसा डाला होगा वो नॉन लिक्विड में आएगा बिकॉज़ आप उसको तीन साल के पहले नहीं विद्रॉ कर सेविंग्स इन लिक्विड एंड नॉन लिक्विड अकॉर्डिंगली अब मान लीजिए आपने इसमें सब में एक एक लाख रुपए डाले हैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये बड़ा भी हो सकता है ये छोटा भी हो सकता है अब टोटल एसेट आपके लिक्विड में आ गए फोर लैक इनकम हो रही है वो आप विद्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आप एसेट से ही एग्जिट नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आप अपनी पे सात परसेंट इरा से रिटर्न बना पाएंगे ये एजम्सन है इस बेसिस पे की आजकल काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट हैं जो सेवन परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं पैसा और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट फाइव टू सेवन परसेंट तो आराम से रिटर्न आ ही जाएगा अनटिल एनलेस द मार्केट रियली टर्स बैड सो सिम्पलिसिटी के लिए इसको सेवन माना हुआ है इसको आप पाँच परसेंट भी डाल सकते हो अगर आपको कंजर्वेटिव होना है इसको आप टेन परसेंट भी डाल सकते हैं अगर आप उतने ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ना आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली उतना रिटर्न बना लेंगे हमने यहाँ पे सेवन परसेंट डाला हुआ है आप इससे ये देखेंगे कि फोर लैक जो कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट है उस पर आप टोटल ईयर में कितना पैसा बनाएंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड ओनलीस इट्स बट उसके आगे देखिए यहां पे आप ये जूम कर रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ देंगे अर्निंग मेंबर हो उसकी इनकम आप स्पाउस इनकम या इसको आप चेंज करके ब्रदर्स या सिस्टर्स या फादर्स इनकम डाल सकते हैं अगर कोई इनकम नहीं है तो आप इसको जीरो भी कर सकते हैं तो हम यहां पे मान लीजिए इसको जीरो कर देते हैं आप देखेंगे कि एनुअल इनकम आपकी कितनी हो गई सिर्फ ट्वेंटी एट थाउजेंड विच इज वॉट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट दैट इज रिटर्न ऑन योर सेविंग उसके अलावा राइट साइड में आते हैं कॉलम नंबर डी पे यहाँ पे आप देखेंगे दैट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आपके कितने हैं हैं ये कैसे डिराइव किए गए उसके लिए आप प्लीज ये वीडियो देखिए विच इज द पार्ट टू ऑफ फाइनेंशियल सीरीज ये नंबर वहीं से आएगा उसके नीचे आप देखेंगे कि ट्रैवल प्लस अदर्स फिफ्टी फाइव थाउजेंड है मतलब क्या मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल पे और बाकी के खर्चे फिफ्टी फाइव थाउजेंड के करेंगे मतलब ये फोर्टी फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड और पर मंथ मान के हम चल रहे हैं कि बाकी के खर्चे या ट्रैवल पे एक्सपेंस होगा यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने डाला लाइफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस का क्योंकि इज 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 समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो हमने उसको कंसिडर करके डाला है आप रखना चाहें तो रखिए नहीं रखना चाहें तो आप हटा सकते हैं टोटल खर्चा आपका एनुअली कितना होगा दैट विल बी फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट इज फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ट्रांसलेट्स टू रफली सेवन लैक रुपीज आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अगर आप अपने ये पूरे सेवन लाख रुपीज को मेंटेन करते हैं कि इसमें कुछ भी कम नहीं होगा आपके जॉब छोड़ने के बाद और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी सैलरी होनी चाहिए नाइन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली टू मीट द नीड ऑफ करंट लाइफ अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेंगे तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए तो आपकी होनी चाहिए 8.42 लाख, राइट एंड अगर आप 10% में फॉल करेंगे तो आपकी सी कितनी होनी चाहिए अराउंड सेवन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई जॉब छोड़ने के बाद मैं अपने होम होम टाउन जाना चाहता हूं। अब अगर आप होम टाउन चले जाएंगे तो वहाँ पे रेंट तो देंगे नहीं आप अपने घर पे पे रहेंगे तो हमने को 66 कर दिया है मतलब हमने किया है कि आपके जो करंट एक्सपेंस हैं जहां आप रह रहे हैं वहां पे रेंट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी थ्री परसेंट ऑफ योर ओवरऑल एक्सपेंस अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट के बाद अगर आप होम टाउन जाते हैं और आप ट्वेंटी परसेंट सैलरी ब्रैकेट में रहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी

5.4 लाख की सैलरी के हिसाब से आप आराम से अपना करंट लाइफस्टाइल मैनेज कर पाएंगे अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा दैट ये सैलरी 30, 20, 10 इससे कैसे पता चल रहा है कि मेरी इनहैंड कितनी होनी चाहिए इसके लिए आप प्लीज ये वीडियो देखिए विच इज द पार्ट वन ऑफ दिस थ्री एपिसोड सीरीज विच टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन एग्जैक्टली नो दैट आपकी इन हैंड सैलरी या नेट टेक होम सैलरी कितनी होगी फ्रॉम योर सी टी सी ये जो सैलरी के नंबर आप देख रहे हैं प्लस जो आप रिटर्न देख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे सेविंग्स पे उससे आप अपनी करंट लाइफ

रीज़न उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता था उस जॉब में एंड नाउ ही इज़ सुपर हैप्पी बिकॉज उनका हमेशा से ड्रीम जॉब था दैट वो कहीं प्रोफेसर या टीचर बन सकें द रीजन वाई ही कुड डू दिस बिकॉज ही एग्जैक्टली फॉलोड दिस ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी डिज़ाइन दिस एक्सेल और अगर आपके पास सेविंग्स हैं बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करें कि आप उस पर अच्छा ऑप्टिमम रिटर्न बना सके तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर सेविंग्स टू जनरेट अ गुड रिटर्न और ये तीनों एपिसोड देख के या दो एपिसोड देख के या एक एपिसोड देख के अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए बेल आइकन को जाकर दबाइए सो so दैट आपको सारे इन्फॉर्मेशन हमारे न्यू अपडेट्स के बारे में मिलते रहें हमको भी अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कमेंट्स में बताइए कि हम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें अंटिल यू मीट अगेन हैप्पी विंटिंग